गुड आफ्टरनून क्लास। चैप्टर नंबर दिया है 10 हमारा, जैसे कि नेम दिया है कैलकुलेट डाटा अक्रॉस वर्कशीट। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर पढ़ने से पहले बता देता हूँ, अगर हमारे पास एक वर्कबुक दी है और उसमें लगभग 3 वर्कशीट होती है, जो हमारी वर्कबुक होती है जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें 3 वर्कशीट होती है। 2 वर्कशीट को एक साथ जो डाटा दिया है उसको कैलकुलेट करना है, एक साथ जोड़ना है एक ही शीट पे, तो उसे हम कैसे ऐड करते हैं डाटा को, उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पेज नंबर दिया है हमारा 154। तो करना क्या है, फंक्शन हमारे सेम लगेंगे जैसे कि हमने पीछे पढ़ा ऑटो सम, जिससे हम डाटा का सम करते हैं या फिर सबट्रैक करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, देखिए भाई, अगर हमें सेल में सम करना है तो सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं, ये साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे लगाओगे तभी आपका फॉर्मूला चलेगा, अगर आपने साइन नहीं लगाया इक्वल का तो आपका फॉर्मूला एक्सेल में नहीं चलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर दे दिया इक्वल 45 प्लस 35, ये हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे प्लस का साइन लगा के एंटर प्रेस कर देंगे तो उस सेल में क्या हो जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारे पास 2 वर्कशीट है भाई, हमारी वर्कबुक होती है जो जैसे हम एक्सेल को ओपन करते हैं उसमें हमारे पास शीट होती है, हमारी जैसे लिखा रहता है वहां पर शीट 1, इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है हमारे बॉटम पे शीट 2। नॉर्मली हमारे पास 3 शीट होती है जो हमें एक्सेल प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि हम एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, है कुछ नहीं इस चैप्टर में, केवल एक फॉर्मूला है कैसे हम उसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 शीट पे अगर डाटा दिया है उसको हम ऐड कैसे करेंगे, ऐड इसी फॉर्मूले से होगा इक्वल वाले से, कुछ नहीं करना है, बस तरीका सीखना है इसमें करेंगे कैसे। तो जैसे हम इस पर भी वर्क कर रहे हैं और इस पर भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी क्लास 9th है और यहाँ पर हमारी क्लास 10th है। अब हम दोनों क्लास का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा डाटा है जिसको हमें कंबाइन टोटल करना है, एक साथ टोटल करना है, तो उसको कैसे हम टोटल करते हैं वो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या दिया है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एज वी नो, हम जानते हैं एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ये हम सब जानते हैं। एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट मीन्स ये होता है कि उसमें आपके कॉलम और रोज और सेल दी रहती है जिसमें हम वर्क करते हैं, और ये परफॉर्म करते हैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को। दे आर नंबर ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम बट फ्रॉम ऑल ऑफ देम एक्सेल मोस्ट वाइडली यूज सम टाइम इन एक्सेल। तो देखिए क्या है कि हम एक्सेल में जब वर्क करते हैं, ये प्रोग्राम ही नहीं है एक तरह से, इसको मान लेते हैं कि भाई ये प्रोग्राम है, इसकी बहुत सारी ऐसी यूजेज हैं जिनको हम जनरली अपनी जनरल लाइफ में यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम एक्सेल में भाई कैलकुलेशन तो हम कर ही लेते हैं, तो आप एक्सेल में अगर किसी शॉप पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसमें आप प्रोडक्ट डाल लीजिए, भाई हमारे पास सेल होती है, कॉलम रोज सब चीज़ होती है, उसमें प्रोडक्ट डाल लीजिए कितनी क्वांटिटी है और हर प्रोडक्ट का क्या रेट है, उस हिसाब से आप डाल लीजिए और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप इसे केवल एक प्रोग्राम ही नहीं समझे, इसे जनरल पर्पज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो आगे क्या दिया है इसने, दिस सेशन एक्सप्लेन द वे ऑफ कैलकुलेट द सम और टोटल व्हेन वर्किंग विद द सेल डाटा लोकेटेड इन द मल्टीपल वर्कशीट। तो इस सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम एक से ज़्यादा वर्कशीट पर वर्क कर रहे हैं, हमें उनकी कैलकुलेशन एक साथ करनी है तो हम कैसे करेंगे। बैठो बेटा, Keep quiet. आज कर रहे जो हो गया है कुछ टेपू। आगे क्या दिया है अभी इसमें,
In other words, this session is helpful as we are going to learn how to take the value of cell located in one worksheet and add it to the value of another all located in another worksheet, come up with the total respective cell. यानी कि एक वर्कशीट दी है और फिर एक और वर्कशीट दी है हमारे पास, उन दोनों वर्कशीट का हमें टोटल करना है एक सेल में, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज़ है, दो वर्कशीट हो या फिर तीन वर्कशीट हो, उनका एक साथ कैसे टोटल किया जाता है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट मेथड पे चलते हैं। जैसे कि दिया है पेज नंबर 155, इसमें दिया टू हैंडल कैलकुलेशन और मल्टीपल सीट। तो क्या तरीका है, किस तरह हम जो है एक से ज़्यादा सीट की कैलकुलेशन एक साथ करेंगे। तो इस यहाँ पर दिया है स्टेप वन, ओपन ए न्यू वर्कशीट एंड रीनेम इट टोटल सेल। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एक्सेल ओपन कर लीजिए, आपके सामने एक्सेल आ जाएगा। अलग अलग सीट पे वर्क कर लीजिए अपनी, जैसे कि सीट वन, सीट टू और सीट थ्री दिया है। फिर इसने कहा है स्टेप वन में कि आप जो है जो भी आप सीट खोलो, जैसे आपने सीट वन खोली है, इसको आप रीनेम कर लीजिए। रीनेम करना मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, दोबारा से फिर रिवाइज करा देते हैं। आप इस सीट वन पे डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करेंगे माउस से तो ये एडिट हो जाएगी। एडिट का मतलब सेलेक्ट हो जाती है, एक ब्लू सा कलर हो जाता है। फिर आप कीबोर्ड से इसका नाम चेंज कर लीजिए। तो इसने क्या दिया है, नाम टोटल सेल दिया है, आप कुछ भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मर्जी के हिसाब से। उसके बाद क्या दिया है, स्टेप टू, टू ऐड द सेल डाटा ऑफ बोथ ऑफिस वर्कशीट क्लिक द टोटल सेल, सेलेक्ट द सीट एंड टाइप फॉर्मूला। तो दूसरी जो वर्कशीट दी है हमारे पास, इसका भी नेम आप चेंज कर लीजिए, सीट टू की जगह कुछ और लिख लीजिए। इतना काम कर लिया आपने, उसके बाद इन दोनों सीट में से आप कैलकुलेशन दोनों सीट की कौन सी सीट पे लेना चाहते हो, वन पे लेना चाहते हैं या फिर टू पे लेना चाहते हैं, जिस पे आप लेना चाहते हो उसी पर चले जाइए आप क्लिक करके, और किसी एक सेल में आप क्लिक कर लीजिए और वहाँ पर लगा दीजिए साइन, लगा दीजिए इक्वल का, किसी भी सेल में लगा दिया। अब उसमें लिखना क्या है, फॉर्मूला ध्यान से देखिए क्या लिखना है, उसमें लिखना है सम, कैपिटल लेटर में SUM सम लिखना है। उसके बाद इसने क्या दिया है, जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास है वो तो देख ही लेंगे, जिसके पास नहीं है उसको बता देता हूँ। लिखना क्या है, इक्वल का आपको साइन लगाना है, सब इसमें लिख देना है, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इसमें लिखा है इसने ऑफिस वन, तो ऑफिस वन सेल का नाम है, सॉरी सीट का नाम है, ठीक है, जिसकी सेल है C3। तो आपने यहाँ पर किस सीट वन ही ले लेते हैं फिलहाल, तो जैसे कि मैंने इसका वन लिखा, इसकी सेल है C3, ठीक है भाई, C3 सेल हो गई। उसके बाद क्या दिया इसने, कोमा, कोमा लगाएंगे, फिर हमें C3 में ऐड क्या करना है, जो हमारी दूसरी सीट है उसको ऐड करना है। तो जैसे हमने इसका नाम टू रखा था भाई, C3 इसने लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो जिसमें डाटा होगा सेल में, वो ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ले लिया दोबारा से फिर C3। अब इसने क्या किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब करना क्या है आपको, इतना फॉर्मूला लिखने के बाद, फॉर्मूला हमारा लग चुका है, बस आपका प्रोग्राम, ये जो फॉर्मूला जो लगा है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक की प्रेस करनी है आपको, उससे तुरंत ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। आपको करना है फिर एंटर, कीबोर्ड में होती है एंटर, ये जो बोल रहे हैं ना भी, आप प्लीज शांत बैठ जाओ, आज मैम नहीं आई, नहीं तो आज मैं लेसन तुम्हारा लेता ही नहीं, मैं साफ मने कर देता उन्हें, दूसरे टीचर है उनको दे देते, अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। चलिए तो सम है, इक्वल का साइन लगा देंगे हम, सम लिखना है, उसके बाद वन, C3, फिर कोमा लगाएंगे, ये टू जो सीट का नाम है, समझ रहे हैं, जब नहीं समझ में आया तो जब लैब में जाएंगे अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, C3 लिखेंगे, उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो जो टोटल है, जो आपने सेल ली है C3, इसमें जो डाटा होगा और दूसरी सीट की जो सेल है C3 उसमें जो डाटा होगा, उन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा सम का लगा है, मल्टीपल लगाते तो हम मल्टीपल का आ जाता हमारा। तो इस तरह आप एक से ज़्यादा वर्कशीट का जो डाटा है उसकी अगर कैलकुलेशन करनी है एक सीट पर, किसी भी एक सीट पर,
तो आप इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है इसने, क्या है, आफ्टर एंटरिंग द फॉर्मूला प्रेस द एंटर की, जो मैंने आपको बता दिया है, यू विल फाइंड द कैलकुलेट रिजल्ट इन द सेल C3 ऑफ द वर्कशीट टोटल सेल। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो आपने फॉर्मूला लगा, जो भी डाटा लिया उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आगे क्या दिया है, स्टेप 4 दिया है, नाउ ड्रैग द ऑटोफिल हैंडल डाउन द अदर सेल एंड राइट कॉपी फॉर्मूला इन द रेस्ट ऑफ सेल, यू मे नॉट, द एक्सेल विल ऑटोमेटिकली चेंज द रेफरेंस गिवन रिजल्ट अकॉर्डिंगली। तो देखिए, जब हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, जैसे हमने कुछ डाटा लिया, जो स्टेप 4 में ये कह रहा है बुक वाला, इसकी बात समझ लेते हैं। ये कह रहा है भाई, हमारे पास ये है, हमारी सेल में ये, फिर ये डाटा है और फिर ये, उसके बाद एक और बना लेते हैं, अभी कम रह गए। अब यहां पर डाटा ले लीजिए आप, ये डाटा हो गया। आपने क्या किया, फॉर्मूला लगाया फर्स्ट रो में, यहां से यहां तक रो को सिलेक्ट किया, ठीक है भाई। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो वो बटन आता है सिग्मा, ये वाला इस तरह का होता है, वो बना रहता है, जिसको हम ऑटोसम बोलते हैं, उल्टा सीधा है ये, ठीक है, इस तरह का ही होता है वो, थोड़ा थोड़ा क्लिक करते ही क्या करेगा, इसका हमें टोटल दे देगा, यहाँ पर दे देगा या नहीं दे देगा। तो फॉर्मूला हमारी सेल में लग चुका है, हम चाहते हैं कि वो नीचे भी हमें बार बार यहाँ पर क्लिक ना करना पड़े, जो हमें स्टेप 4 में कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और माउस, आपने देखा होगा जब आप वर्कशीट में वर्क करते हैं तो माउस क्या है, प्लस में आता है और ये प्लस थोड़ा हैवी सा होता है, लेकिन जब इस प्लस को आप यहां लाओगे माउस को, तो ये ठीक हो जाएगा और नीचे आप खींच देंगे तो ऑटोमेटिकली जो नीचे की हमारी ये है रोज, इनका टोटली अपना आप ही दे देता है। शायद एक आध बच्चा जानते भी हो इसके बारे में, कर सकते हैं, ऑटोफिल बोलते हैं इसको, कर रखा है ना। हाँ, तो आप याद आ गया होगा शायद, पिछले साल किया हो, इस बार भी कराया हो, कोई बात नहीं, पहले भी आपने किया हो, तो ये होता है ऑटोफिल, ऑटोमेटिकली अपना आप कर लेता है। हाँ, वो चीजें हैं। तो आप इस तरह बहुत सारी वर्कशीट को एक साथ, जो डाटा दिया है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें ये कह रहा है, बाकी तो आपको जो है लैब में जाके पता चली जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज पढ़ाया कुछ समझ में आया किसी को, चलो कोई बात नहीं, बाकी हम लैब में समझा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you.